ओके हेलो दर्शक मित्र, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और एक घर का रसोईघर है और वहां पर अनफॉर्चूनेटली एक कोबरा आकर बस गया है, तो थोड़ा फिर से रेस्क्यू करते हैं अच्छी तरह से। ओके, वो बहुत ही एग्रेसिव है, आप देख सकते हो अपनी पंख फैला कर देखा है वो। और ये जो टायर से कटी बाइट उसमें वो चल नहीं सकता। इनकी चपेट में इंसान आ जाता है, जहाँ जाता है यही मरता है, तो फिर चलो ले चलते हैं और छोड़ देंगे इसी जगह पर कि जहाँ पर वो इंसान की पर ये जो एक कोबरा वो इंसान के आसपास ही ज़्यादा पाया जाता है और उनके उनके साथ ही रहता है और उनके साथ ही पड़ा पड़ा रहता है। पर कभी कभार वो इंसान के बहुत ही करीब नजदीक आ जाता है, तब उनको करना पड़ता है रेस्क्यू, वरना ये जो है वो इंसान के आसपास रहने वाला हिसाब है, तो छोड़ देंगे इसी जगह पर। थैंक यू। ओके वेलकम बैक, अभी हम आए इसको रिलीज करने के लिए, तो चलिए इसको रिलीज कर देते हैं। बहुत तंग नहीं करना चाहिए और इसको हम वहीं से बहुत दूर नहीं ले जा रहे, उसके आसपास ही अच्छा इलाका है वहीं पर छोड़ रहे हैं। पानी भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं है, यहाँ पर इसको अच्छा खाना पानी मिल जाएगा और रहने के लिए भी अच्छी जगह है, तो फिर यहाँ पर अपना जो आगे का जीवन जी सकेगा और सर्वाइव कर पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कृपा करके आप इसको घर पर ट्राई ना करें, ये बहुत ही जोखिम भरा है क्योंकि ये जो है वो इंडियन ब्लैक स्पेक्टिकल कोबरा यानी कि सबसे गुजरात में पाए जाने वाले चार जहर सांपों में से एक है और ये बहुत ही जहरीला है और इंसान के लिए बहुत घातक है। तो कृपा करके आप इसको घर पर ट्राई ना करें, अपने नज़दीक के वन विभाग या फिर डिस्ट्रिक्शन को ध्यान कर दीजिए, वहीं से आकर इसको कर लेगा। पर कृपा करके आप इसको घर पर ट्राई ना करें, ये बहुत ही जोखिम भरा है, मेरी आपसे यही सलाह है। फिर से मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरे दर्शन चैनल, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करें, सबको दिखाइए, खुश रहिए, इनसे दूर रहिए। थैंक यू, आओ जो।